दुनिया में दो तरह के दुख, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। बात सिर्फ मर्द के खुलूस और मोहब्बत की होती है। औरत आसाइशों के बगैर भी खुश रह सकती है। आपा कहती थी, हर रिश्ते में गलतियां तो होती ही, लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। गरीब आदमी से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कराहट सजा लेना उसने अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफ़क़त है। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज़्यादा अलग हो जाने के हक में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना मोहब्बत से ज़्यादा अहम है। तीन चीज़ें कभी वापस नहीं आती, बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों में से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। बानो कहती थी, माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो पर दुनिया में हर ज़रूरी बात हम अपनी माँ से सीखते ही। लोग कहते ही किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना तो पानी। जब नज़रअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर ले, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मजीद तजलील से जरूर बचा लेती है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत ना करें। गलत फहमी का अजाला सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई खास मकाम हो। इंसान गम की गिरफ्त से कभी नहीं निकलता, खुशी महज थकान उतारने का एक वक्फा है। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े, जो जितनी तवज्जो के काबिल हो उसको उतनी अहमियत दो। कम ज़र्फ लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की ज़ात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज़ का इतना आदि मत बनाए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत के बिना बेकार है। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें जोड़ लेता है। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलस मोहब्बत
आपको सारी जिंदगी के लिए जहनी मरीज बनाने के लिए काफी होती है। मां से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रिश्तों को वादों और कसमों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोड़ने वाले कसमें खा कर भी छोड़ देते ही और निभाने वाले बगैर वादों के रिश्ते निभा देते ही। चीख और पुकार इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफजदा करना सीखो। कोई दूसरा शख्स हमारा दिल नहीं तोड़ सकता, हम खुद अपना दिल तोड़ते ही एक ऐसी जगह पर रहकर जहां हमारी कोई जरूरत नहीं होती। खुशियां अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलस हों, वरना ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं। मोहब्बत कभी कभी यकीन की सबसे ऊंची सीढ़ी से इतना जोर का धक्का देती है कि इंसान सारी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता।